हेलो गाइस, माय ब्लॉग उत्तराखंड लवर वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको ले जा रहे हैं नीरगिरी वाटरफॉल। नीरगिरी वाटरफॉल ऋषिकेश से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ तक गाड़ी जाती है, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू हो जाएगा। कितना ट्रैक जाना है ये हम सब आपको बताने वाले हैं। वो झील कैसे दिखती है, वहाँ पर कितने पर्यटक लोग जाते हैं, वो कितनी सुंदर है, वो हम सब बताने वाले हैं आज आपको। चलें गाइस वाटरफॉल। अभी हम पहुंच चुके हैं नीर गुड्डू। ये देख सकते हैं ये नीर गुड्डू स्टेशन है। यहाँ पर ये ढाबे दुकानें सब खाने पीने की सुविधाएं हैं। यहाँ पर से रास्ता नीर वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है, अलग से रास्ता जाता है। ये हम नेशनल हाईवे पर हैं, अभी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हैं। ये लगभग ऋषिकेश से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नीर गुड्डू। ये देखिए यहाँ से ये आपको बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर नीर वाटरफॉल के लिए यहाँ से रास्ता जाता है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है। देखिए यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है, ये बाइक आ रही है यहाँ से हम जाएंगे नीर वाटरफॉल के लिए। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर नीर वाटरफॉल है, ठीक देख सकते हैं आप। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं फॉरेस्ट चेक पोस्ट। यह है फॉरेस्ट चेक पोस्ट, यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है, प्रति व्यक्ति 30 रुपया शुल्क देना पड़ता है यहाँ पर, फिर आपको आगे जाने दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर टिकट लिया है, हमने यहाँ पर 60 रुपये दिया है और हम अब आगे की यात्रा करते हैं। यह है फॉरेस्ट चेक पोस्ट। हम लोग मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, ये नीर वाटर के बिल्कुल समीप है। हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क करती है, यहीं तक सब गाड़ियाँ आती हैं। अगर हम नील वाटरफॉल जाना है तो यहाँ तक हम अपना वाहन ला सकते हैं। अब यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाता है नीर वाटरफॉल के लिए। यहाँ से लगभग 30 से 40 मीटर ऊपर है नीर वाटरफॉल, हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं ये चढ़ाई लग गई है यहाँ से। यहाँ पर बरसात में रास्ता बहुत ख़राब हो रखे हैं, ट्रैक बहुत ख़राब है। यहाँ पर बरसात में आना अवॉइड करना चाहिए, बरसात के बाद आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। ये ऐसा जाता है ट्रैक नीर वाटरफॉल के लिए। और यहाँ पर ये ढाबे भी हैं, चाय पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल। ऐसे दिखती है नीर वाटरफॉल। ये फॉल की पहली सतह है, ऐसे ही लगभग 3 से 4 सतह हैं जहां पर आप नहा सकते हैं झरने के नीचे। आप देख सकते हैं यहां पर झरने के नीचे लोग नहाते हुए, पर्यटक नहाते हुए, बहुत सुंदर फॉल है। देखिए आप ऐसे ही लगभग तीन ऐसी सतह हैं जहाँ पर आप लोग नहा सकते हैं। जो मेन फॉल है, जो मेन सतह है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से पूरे चढ़ के जाना पड़ेगा हमें, यहाँ से पूरी चढ़ाई है। हमने ट्रैक शुरू कर दिया है मेन वाटरफॉल के लिए, नीर वाटरफॉल के लिए। ये देख सकते हैं ऐसा रास्ता जाता है। हम डायरेक्ट आपको मेन
नीर वाटरफॉल ले जा रहे हैं। देखिए सुंदर वाटरफॉल आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बिल्कुल क्लीन वाटर आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट वाटर। चलें आगे चलते हैं मेन वाटरफॉल के लिए, वहां से दिखाएंगे कैसे दिखते हैं मेन वाटरफॉल। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल, बहुत सुंदर फॉल है आप देख सकते हैं, ऐसी दिखती है नीर वाटरफॉल ऋषिकेश, ये देख सकते हैं आप बहुत सुंदर है। नीर वाटरफॉल ऋषिकेश का सबसे बड़ा झरना है, इसे नीरगढ़ वाटरफॉल भी कहा जाता है। यहाँ हर रोज़ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक आते हैं। यह झरना 3 से 4 सतहों से होकर गुजरता है, हर सतह पर पर्यटक झरने के नीचे नहा सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। रोज सैकड़ों की संख्या में यहां लोग पहुंचते हैं। इसके साथ ही यहां पर पर्यटकों की सुविधा के लिए दुकानें भी हैं। जंगलों के बीच स्थित यह झरना जहां प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से पर्यटकों को आकर्षित करता है, वहीं इस झरने का ठंडा पानी और नहाने के लिए पर्याप्त स्थान होने के कारण नीर वाटरफॉल कई लोगों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये है नीर वाटरफॉल, बहुत सुंदर है। आइए आप अगर आप ऋषिकेश घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नीर वाटरफॉल आप ज़रूर आइए।